काल गुप्ता जी आपका व्यापारी है, और व्यापारी वो होता है जो अपने आज को दांव पर लगाता है। और आज यहाँ पर जो खास मेहमान अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप चर्चा में व्यापारी वर्ग से हैं ये गोपाल गुप्ता जी। सबसे पहला आपसे मेरा सवाल है आपकी जर्नी को लेकर, आप अपनी जर्नी प्लीज शेयर करें, उसके बाद और सवाल आपसे करेंगे। मैं पहले यहाँ पे व्यापार ट्रेडिंग का काम करता था, और यहाँ पर मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करने की इच्छा थी। तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर नॉन पॉल्यूशन जो भी इंडस्ट्री है, बॉयलर बेस्ड इंडस्ट्री, कोल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लग सकती। उसके लिए मुझे जूता उद्योग का लगा काम, उसके लिए मैंने शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर लेबर अवेलेबल है। तो इस तरह से मेरा छोटा भाई ग्रो अप कर रहा था, उसको मुझे काम कराना था, तो मैंने उसको ये काम शुरू कराया। तो ये हमारा मेन काम हो गया, और ट्रेडिंग का काम पीछे रह गया। अच्छा सर, चूंकि आगरा का जूता विदेशों तक पहुंचे, इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? हमारे काम में, जूते के उद्योग में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर वर्ल्ड में 3% से 4% के बीच में है, जबकि चाइना का 60 से 65% तक है। तो हमारे काम में काफ़ी स्कोप है, अगर हम सुचारू रूप से करें, गवर्नमेंट के सहयोग मिले इसमें, तो हम काफ़ी बड़ा शेयर वर्ल्ड में ले सकते हैं, और इसका पूरा स्कोप है। अगर तो अभी दस किस तरह का सहयोग आप गवर्नमेंट से चाहते हैं अपने इस क्षेत्र को लेकर? सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जब यहाँ पर कोई भी काम नई यूनिट आती है या पुरानी यूनिट एक्सपेंशन करती है, तो उसके कई अथॉरिटी से हमको अलग अलग तरह के NOCs वगैरह लेनी पड़ती है। उसके लिए एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। जैसे हमने उनको अपनी सारी एप्लीकेशन उनको एक जगह दे दी, और उन्होंने सारी हमारी अप्रूवल्स सेंक्शंस वो हमें करके दें, इसके लिए सीधा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। लखनऊ में बैठ के अधिकारी भी ये विजिट कर ले कि कितने दिन में अप्रूवल मिली है और कितने दिन में मिलनी चाहिए। तो अभी आपको कितना टाइम लग जाता है अगर आपको अप्रूवल चाहिए होती है? सब चीज़ आपको मालूम है, आप उससे पूछ रहे हो। नहीं, टाइम आपसे बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके टाइम सुझाव चाह रही बिल्कुल हूँ टाइम नहीं इसीलिए। लगता। अगर हम छोड़ो, लेकिन टाइम पूरा लगता है। अधिकारी लोग लाल फीताशाही है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी काम अटक जाते हैं, और अटकने के बाद व्यापारी का शोषण होता है। आप क्या सुझाव सरकार के सामने रखना मैंने चाहते नोडल हैं? ऑफिसर के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ वहाँ पर सरकार तक पहुँचाए, कि कोई भी काम के लिए एक नोडल ऑफिसर, चाहे DIC डिपार्टमेंट से हो, ADM को सुपर्द हो जाए, या कहीं भी हो जाए, एक नोडल ऑफिसर हो जो सारी सेंक्शन अप्रूवल्स मुहैया कराए, और उसको जो भी कागज़ चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो व्यापारी को देने ही पड़ेंगे, और देंगे वो व्यापारी। ठीक है, देखिए अभी आगरा को लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आगरा में व्यापार के और भी विकल्प हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए प्रदेश सरकार का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अलग अलग सेक्टर से हर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। क्या ऐसा है कि यहाँ पर और ज़्यादा व्यापार के साधन हो सकते हैं अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे? तो पर्यटन स्थल ही है लेकिन व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, जो भी नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, ये इसकी इंडस्ट्री जहाँ लेबर ओरिएंटेड है और रेवेन्यू जनरेट करती है, वो इंडस्ट्री आनी चाहिए, और जूता उद्योग भी उसमें से है। लेकिन इसमें एक बात और मुझे कहनी है, सबसे जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि एक सिटी बस सर्विस जो लेबर के लिए, जो रूरल एरिया से उनको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा दे, सिटी बस सेवा का अत्यंत अभाव है। और ये सिटी बस सेवा अगर शुरू करती है गवर्नमेंट, और लेबर को वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचाने का और वापस ले जाने का, और उनका बस सर्विस मिल जाती है, तो रेवेन्यू उनको लॉस में नहीं जाएंगे, पहले दिन से बस फुल जाएंगी, उनको लॉस नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये काम, ये अभाव है इसमें यानी एक इंडस्ट्रियल बड़ी एरिया, अड़चन है ये जो आप बस सर्विस की, सिटी बस सर्विस की बात क्या कर रहे हैं। लेबर के लिए बहुत ज़रूरत है, ये बर्निंग इशू है। लेबर कैसे पहुंचे वहाँ पर, या आप
आगरा के जो तीन बस स्टैंड हैं, गौतम बुद्ध विहार या ईदगाह या ISBT, वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मूवमेंट कोई बस सर्विस नहीं है। ठीक है, जो आगरा का भी विकास हो रहा है पिछले कुछ सालों के दौरान का मैं जिक्र करना चाहूँ, आप क्या चेंजेस यहाँ पर फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये तेज गति के साथ विकास हो रहा है या अभी कोई कमी है जिसको फुलफिल करने की जरूरत है? आगरा ने 9 विधायक 2 MP दे रखे हैं BJP गवर्नमेंट को, लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमें अभी तेज गति से काम नहीं हो पा रहा है, खासतौर से उद्योग जगत की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें TTZ और ये जो चीज़ें NGT वगैरह की जो बातें आती हैं, तो हर एक उद्योग को उसके निगाह में नहीं देखना चाहिए, हर एक उद्योग उसकी परिधि में नहीं आता है। अगर कोई पॉल्यूशन के लिए बात करते हैं तो एक तरह का मीटर आता है, वो मीटर कोई भी उद्योग लगाने वाला सबसे पहले वो मीटर लगाएगा, उसकी रीडिंग उसके ऊपर और नेट सर्विस से उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अगर कोई भी मीटर ऊपर जाता है, सीमा से ऊपर जाता है, तो हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए, और 2-3-4 बार अगर मीटर ऊपर जा रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, उसके उद्योग को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर हर एक उद्योग को उसी निगाह से देखा जाए, चाहे होटल की इंडस्ट्री बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई और हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, कोई और IT सेक्टर में बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ हो, जूता उद्योग हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ हो, ये रुकावट पैदा कर रही है NGT और TTZ आगरा के उद्योग के विकास के लिए। हाँ, एक शायद ये भी कुछ यहाँ पर रूल है कि 5000 मीटर की जो ऊंचाई है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है क्या, जैसा कि आप फील करते हैं? क्योंकि व्यापारी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि खेरिया हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री डिफेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऊँची बिल्डिंग नहीं है तो और कुछ हो सकता है, या कुछ एरिया निर्धारित हो सकते हैं कि वहाँ के बाद में ऊँची बिल्डिंग बन सकती है, ये एरिया निर्धारित हो सकते हैं, और डिफेंस को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये हम बिल्कुल सहमत हैं इससे। क्या नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल हब की यहाँ पर कमी है? व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, क्या आप पर्यटन स्थली पर जरूर फोकस कीजिए यहाँ का, क्योंकि आगरा का हर एक कोना इतिहास से भरा हुआ है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर डेवलप हो जाए तो आने वाला कल बहुत सुनहरा हो सकता है आगरा वासियों का। बिल्कुल ठीक बात है, पॉल्यूशन जो है एक आम जनता की जरूरत है, हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे जो वर्कर हैं उनको स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन जनरेट ही नहीं कर रही है उसको भी रुकावट क्यों पैदा हो रही है? उसके लिए मैंने जो सुझाव दिया है मीटर और पॉल्यूशन मीटर लग जाए, और आज तरह हर तरह के मीटर आते हैं जो हर तरह की चीज़ें मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो मीटर लगा के उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, और उससे ऊपर की उसके ऊपर रीडिंग नहीं जाए, उसके लिए गवर्नमेंट सख्त कदम उठा सकती है। ठीक है, लेकिन अब आगरा की ही हम बात कर रहे हैं, तो प्रशासन का जो सहयोग आपके साथ यहाँ पर है उससे आप पूरी तरह सहमत हैं? सेटिस्फेक्शन तो कभी किसी को नहीं आता है, और मुझे एक पॉइंट बता दो जो प्रशासन इसको सहयोग दे रहा हो। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए ना आपके साथ कैसे। आप तो बहुत जगह घूमते हो, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया के मास्टर हो, यहाँ पे कलम की ताकत भी होती है, सब होता है, लेकिन एक चीज तो बताइए जो एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा हो सहयोग, तो आप सहमत नहीं है? आप देखिए, अगर पानी की जरूरत है हम सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं, सिक्योरिटी जगह है सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं, हमको बिजली नहीं आ रही है तो जनरेटर लगा रहे हैं, तो हमें सहयोग कहाँ से मिल रहा है? ये तो सेल्फ मेड, अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं तभी हम ये उद्योग को कर पा रहे हैं। बिल्कुल, अब थोड़ा सा और साइड में आम जनता के लिहाज से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है या फिर जो हेल्थ सेक्टर है उससे आप सहमत हैं? बहुत गुंजाइश है, इसको सुधारने की बहुत गुंजाइश है, और बोलने की भी बहुत शब्द हैं, लेकिन मैं समझता हूँ टाइम की परिधि और मंच की मर्यादा है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन सुधार की बहुत बहुत सुधार की ज़रूरत है, और इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है कि सुधार, जैसा कि आम नागरिक के तौर पर आप बोलना तो नहीं चाहते लेकिन आपके मन में बहुत कुछ है। पर्यटक स्थली है आगरा, अभी अयोध्या को आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा आप काशी को देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, इन दोनों के मुकाबले अगर बात करें आगरा की, तो क्या यहाँ पर जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है पर्यटक स्थली के तौर पर,
ये और रफ्तार इसमें भरी जा सकती है क्या? मैडम खेरिया हवाई अड्डा यानी कितने कितने बड़े बड़े VIP लोग आते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आते हैं, वहाँ से उनको ताजमहल पहुँचाने के लिए एक अच्छी सड़क भी पैदा नहीं कर पाया एडमिनिस्ट्रेशन, कि सुगमता से बिना निर्बुद आराम से बस हवाई अड्डे से कोई भी VIP कहीं भी कोई कंट्री का हेड ताजमहल से लाल किले तक आराम से पहुंच जाए, सुविधा से पहुंच जाए। एक रोड अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या ड्रॉबैक होगा मेरे आगरा का। ठीक है, तो देखिए सड़कों को